गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, उसमें से दो या तीन टर्म्स हमारी बेसिक रह गई हैं जो हमें अभी क्लियर करनी है। उसमें से फर्स्ट आता है हमारे पास सॉल्यूशन रीजन। अब सॉल्यूशन रीजन से क्या मतलब होता है, क्या मायने है? रीजन का मतलब है पार्ट, एरिया, ठीक है। द रीजन विच कंटेन ऑल द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन, कि हमारे पास एक कोई इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो गिवन इनइक्वालिटी है उसके जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो जिस रीजन में कंटेन करते हैं। द रीजन विच कंटेन्स ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन रीजन। अब हमारे पास इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट है हमारे पास, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई लेस देन इक्वल टू सी, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। सबसे पहले इस टाइप के इनइक्वालिटीज को हम लेते हैं, ठीक है। इन दोनों टाइप्स की इनइक्वालिटीज में हमारे पास सॉल्यूशन रीजन का क्या सीन हो सकता है, इट मींस क्या पॉसिबल जो रीजन है वो क्या होगा और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देन जो इस टाइप के इनइक्वालिटीज हैं उसमें हमारे पास क्या सॉल्यूशन रीजन होता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले ये वाले केसेस इनइक्वालिटीज को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या है, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू सी, ये इन दोनों के केसेस में कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इक्वेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, ठीक है, उसका जो सोल्यूशन होगा will lie या will be on the line and it will be dark line। और इन केसेस में क्या होगा, डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन, यहां पे लाइन की बात की जा रही है, इट मींस क्या, इक्वालिटी इज देयर, ठीक है। तो हमने जो इन इक्वालिटीज गिवन है, सबसे पहले उसको इन इक्वालिटीज को उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में हमने कन्वर्ट करना है। देन हम 10th क्लास में जाएंगे और हमारे पास क्या होता था कि
अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स का एक ही इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये हम नाइन्थ और टेंथ में पढ़ के आए हैं बेटा, ठीक है। तो वी विल ड्रा ए लाइन, हम कोई दो पॉइंट्स लेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर वो जो लाइन ड्रा करेंगे, मैं उस लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उस लाइन को बता रहा हूँ कि जो इस टाइप की हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़ हैं, उसमें हमारे पास वो जो लाइन हम ड्रा करने वाले हैं पॉइंट्स आने के बाद, वो एक डार्क लाइन होती है बेटा। और जो स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं, उसमें हमारे पास वो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन जो होगी वो डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके इन इससे हमें रीजन पता चलेगा। इस रीजन के बाद हमारे पास दो टर्म्स और आती हैं, हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन एज वेल एज ओपन हाफ प्लेन। अब क्लोज्ड हाफ प्लेन क्या होता है, ए हाफ प्लेन इन एक्स वाई प्लेन विल बी कॉल्ड एज closed half plane if the points on the line which separates the plane अब हमारे पास क्या है, closed half plane as well as open। हमने आपको last वाले वीडियो में बताया था कि closed interval है as well as open interval है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि closed और open interval को आपने सिर्फ bracket से identify करना है, ठीक है। अब जब हम क्लोज्ड हाफ प्लेन की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, स्क्वेयर, स्क्वेयर ब्रैकेट का कंसेप्ट है। माइंड में सेटअप करना है बेटा कि एक हाफ प्लेन एक्स वाई प्लेन में क्लोज्ड हाफ प्लेन उस कंडीशन में कहलाता है या होता है इफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन, अगर जो जो हम कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन इक्वेशन बनाते हैं गिवन इनइक्वालिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग, उस वो जो पॉइंट्स आए हैं ऑन द लाइन, लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स विच सेपरेट द प्लेन, जो प्लेन को सेपरेट करती है लाइन, आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, वो भी इंक्लूड होते हैं, वो लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको बोला था फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स लाइन पर लाई करते हैं, फ्रॉम आता है वहां पे, मतलब कि ए से स्टार्ट होना है और बी तक जाना, और बिटवीन वाली वैल्यूज तो हमने लेनी ही लेनी है, ठीक है। विच सेपरेट्स द प्लेन आल्सो इंक्लूडेड, कि जो पॉइंट्स हैं लाइन पर लाई करते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब ये वाली कंडीशंस कहां पे आती हैं, अब इसके अपोजिट अगर हम ओपन हाफ प्लेन की बात करें,
तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूं, नॉट इंक्लूडेड, बाकी तो डेफिनेशन वैसे ही है राजे। और अगर नॉट इंक्लूडेड है बेटा तो आपको एकदम दिमाग में ना अपने माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए मेरे को हमें कि हमें बिटवीन वैल्यूज को लेना है, ठीक है, बिटवीन वैल्यूज, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और अभी आपको लास्ट जो रीजन के बारे में बताया जा रहा था तो उसमें आपको बताया कि ये क्या होता है, डार्क, दैट विल बी, देयर विल बी डार्क लाइन, वो लाइन जो प्लेन को सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है, वो लाइन होगी डार्क लाइन। देखो बेटा ये ग्राफ है, ग्राफ में आपने अपनी मर्जी से भी कोई लाइन को ड्रा नहीं करना, ठीक है। अगर आपने डार्क लाइन की है तो उसके पीछे क्या है, हमारे पास देर आर सम रीजंस, कुछ कारण है, डार्क लाइंस एंड दिस वन डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन विल बी देयर। नाउ ऑल द बेसिक फैक्ट्स आर क्लियर, नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, वो सभी के सभी ग्राफ्स हैं। तो दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, रेस्ट यू विल डू, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, we are discussing the problems of linear equations. Linear equation से आप मतलब समझ जाना है आपको कि आपके पास जो variables हैं उनका जो power है वो क्या है, 1 है, ठीक है। ये mind में concept clarity होनी चाहिए बेटा, आपके लिए numericals कोई problem नहीं है, linear inequalities, ठीक है, linear का मतलब आपको अलग से समझ होना चाहिए, inequalities अलग से समझ आना चाहिए, ठीक है। अब for example मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, x प्लस वाई लेस देन 5, हालांकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट मेरे को ऐसे क्रैम की हुई है मैंने, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये इनइक्वालिटीज आपको गिवन हो और आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने आपको जब सोल्यूशन रीजन मैं बता रहा था तो मैंने आपको बोला है कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, जब मैं लाइन 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 बता रहा हूं तो वो लाइन आती कहां से है, कहीं अलग से नहीं आने वाली बेटा, आपके पास जो सिचुएशंस अवेलेबल हैं, जो भी इनइक्वालिटी है उसी के कॉरस्पॉन्डेंस में आप एक लाइन बनाओगे। तो कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, आप इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी में चले जाएंगे, ठीक है। अब टेंथ क्लास में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, थर्ड या फोर्थ, थर्ड चैप्टर में, तो हमारे पास क्या होता था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है कि एक, अगर आपके पास दो वेरिएबल, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एज वेल एज y, तो आप एक बार x को जीरो पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5, नाउ y x इज इक्वल टू 5, ये वाले आप पॉइंट्स रख देते हो। अब इसको ये मत कहना जी ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट बना दिया है, ठीक है, इसमें इसके कंफ्यूजन में नहीं जाना आपको, आप ऐसे कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब आपके पास कार्टेशियन प्लेन आपको बनाना आता है, दिस इज x पॉजिटिव, x डैश मीन्स नेगेटिव, y, y डैश, ओरिजन 0, 0, आपके पास क्या है, when x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, 1, 2, 3, 4, 5, when x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेट अस पुट दिस इज a पॉइंट 5, 0, दिस इज पॉइंट b 0, 5,
इनको आप ज्वाइन कीजिए। अब ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है, आप इनइक्वालिटी को पहले ध्यान से देखोगे किस टाइप की इनइक्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है कि डॉटेड लाइन आएगी या डार्क लाइन आएगी। यहां पे हमारे पास क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो आपको किस फॉर्म में जाना है, यहां पे डॉटेड फॉर्म में। आप इस डॉटेड फॉर्म में गए, अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप ये जो एक लाइन है, अब रिकॉल कीजिए जो डेफिनेशन बेसिक फैक्ट्स पे अभी हम गए हैं कि लाइन विच सेपरेट्स द, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ऐसी लाइन, वो वहां पे मैंने कॉरस्पॉन्डिंग लाइन पहले ही बना के दिखा दी थी कि ऐसी लाइन जो एक्स वाई प्लेन को टू हाफ प्लेन में डिवाइड करे, ठीक है, और उस पर रीजन तो सोल्यूशन रीजन तो आ गया हमारे पास, बट अब इस पर्टिकुलर लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। यहां पे डॉटेड लाइन है तो ये इंक्लूड नहीं होते, पहली बात तो, ठीक है, आपने पूरा बेसिक फैक्ट दिमाग में बिठाना है। अब बट आपको कौन सा पार्ट, ये इट मींस क्या, एक्स वाई प्लेन, एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, ठीक है, इसने दो पार्ट में सेपरेट किया, तो कौन सा पार्ट आपके लिए शेड्यूल्ड रीजन होना चाहिए या शेड्यूल्ड रीजन होगा, उसके लिए आपके पास क्या है बेटा, x प्लस वाई, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तुक्का है जो हर टाइम पे एक तीर की तरह हमें बिल्कुल क्या है, सही डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि अगर x और y के साथ सिर्फ एक एरो हो, सिर्फ ये सिंगल एक कॉमन वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं वो हो वेरिएबल के साथ, ठीक है, एक्स और वाई के साथ, एक्स और वाई की डायरेक्शन में हो, तो वो ओरिजिन को कंटेन करता है। अब इनइक्वालिटी भी अगर आ जाएगी ना तब भी वो कंटेन करेगा ओरिजिन को, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने शेड करना, हमने ऊपर वाले पे नहीं जाना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हमें किस ढंग से इसको शेड करना है, अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि ऊपर उठा देना या नीचे उठा देना है, ठीक है। अब ये ओरिजिन को कंटेन करता है, इस बात की सच्चाई, इसको हम वेरीफाई किस तरह से कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल ओरिजिन को हमने वेरीफाई करना है, तो ओरिजिन ओ हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0, इट मींस वैल्यू ऑफ एक्स एज वेल एज वाई बोथ आर 0, तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई इसमें पुट करोगे, 0 + 0 0 less than 5 which is true, which is true, 0 is less than 5, ये सच्चाई है कि जो 0 है वो 5 से less है, तो ये ओरिजिन को कंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास x plus y greater than 5y, तो मैंने यहां पे पुट किया x और y को 0 0, तो 0 is greater than 5, वो क्या है, पॉसिबल है कि 0 5 से बड़ी है, नो no. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये यहां पे दो टू आर्म्स होती वेरिएबल की साइड में, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता, ये वाला पार्ट होता जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, और सेपरेटिंग लाइन क्या है जिसने एक इनको सेपरेट किया एक्स वाई प्लेन को, ठीक है, वो हमें इंडिकेशन प्रोवाइड कराती है कि अब आपके पास दो एरियाज अवेलेबल हैं, और आपको नेक्स्ट कंडीशंस जो आपको इम्पोज करनी है उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा एरिया हमारे लिए रिक्वायर्ड एरिया है। मैंने आपको बताया कि एक्स प्लस वाई दिस, तो वो ओरिजिन को कंटेन करता है, ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, ठीक है, और ये पता कैसे चलेगा, जब हमारे पास वो सेपरेटिंग लाइन अवेलेबल हो जाएगी। सो ये तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जिससे आपको कुछ बेसिक क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करवाता हूं बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4th में आपको करवाता हूं,
फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अब आपको सबसे पहले तो माइंड में ना स्टेटमेंट को देख के ही स्ट्राइक करना चाहिए कि मेरे पास यहां पे सेपरेटिंग लाइन जो आएगी वो डार्क आएगी या डॉटेड आएगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। और वो कैसे क्लियर होता है? इनइक्वालिटी को देख के, ठीक है, कि वो किस टाइप की इनइक्वालिटी है। वहां पे इक्वालिटी का भी साइन आ रहा है, क्या स्लैक इनइक्वालिटी है या स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटी है, उसको देख के आपको एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि मेरे पास जो सेपरेटिंग लाइन आएगी वो डॉटेड आएगी या डार्क लाइन आएगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहां पे कीजिए इसको द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 2x माइनस y इज इक्वल टू 8, या मैं इसको यहां पे भी इसको बना सकता हूं ठीक है। अब आपको 10th क्लास में जाना है, ठीक है, वहां का मेथड उठाना है, वहां से मेथड उठाना है, आपको टैक्स इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y विल बी माइनस 8, व्हेन y इज इक्वल टू 0 x विल बी 4। x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 8, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट आप कार्टेशियन प्लेन बनाइए बेटा, टू थ्री फोर फाइव, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दो आठ, दूसरों को मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, टाइम भी सेव हो रहा है और मेरे को मालूम पड़ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे नहीं है कुछ, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8, मार्क दिस। नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए आपके पास इन इक्वालिटी में सिंबल क्या है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, कहां पे है, एक्स 8 के साथ है। बट अगर आप इसको बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि एक्स प्लस वाई वेरिएबल को देखो उसके पास क्या सिंबल आ रहा है, उसके पास क्या है, टू आर्म्स वैल्यू आ रही है या एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है। जब आप इसको फिर रीअरेंज करके देखोगे राजे, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, तो भैया क्या आ रहा है कि आपके पास x और y के साथ एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, और यहां पे इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी भी है तो वो डार्क लाइन होगी सबसे पहले, तो ये आपने रिप्रेजेंट किया, यहां पे लिख दीजिए इसको 2x माइनस y इज इक्वल टू 8, दिस इज, ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना बेटा, ठीक है, इस पे जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो भी इंक्लूड होंगे, तो इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, डार्क किया है। अब ये वाली जो सेपरेटिंग लाइन है उसने सेपरेट किया, एक ये हिस्सा रह गया, एक ये वाला पार्ट है। अब हमारे लिए कौन सा रिक्वायर्ड है एरिया, वो हमें कहां पे जाना है, ओरिजिन को कंटेन करता है एक पार्ट, ओरिजिन को कंटेन करेगा ये अपवर्ड पार्ट और ये डाउनवर्ड पार्ट ओरिजिन को कंटेन नहीं करे, हमें आइडेंटिफाई करना है बेटा। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 8, ओरिजिन, इट मींस 0 0 0 माइनस 0
विच इज ट्रू या जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन एट तो नहीं है। ये लाइन भी डार्क करो, अपवर्ड पार्ट है यहां पे, ठीक है बेटा। इसका मैं जरा आंसर एक बार देख लूं, इट्स ओके। सो बेटा 6.2 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ करने वाला तो है नहीं, आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होंगी, आपने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आप लिखने, कॉरस्पॉन्डिंग लिखने के बाद आप एक बार एक्स को जीरो पुट कीजिए और एक बार वाई को जीरो पुट कीजिए, बस आपको दो पेयर चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो और वो एक हो तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आते हैं और किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लेने पर आप एक लाइन ड्रा कर सकते हो। एक लाइन को ड्रा करने के लिए टू पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास आगे एक बार एक्स जीरो पुट किया, एक बार वाई जीरो पुट किया तो आपके पास सेपरेटिंग लाइन आ गई। सेपरेटिंग लाइन आने के बाद आपको यह देखना है कि वो जो सेपरेटिंग लाइन है वो मेरे को डॉटेड करनी है या डार्क करनी है, वो भी आपको बता दिया हिंट की कहां से आपको मालूम पड़ेगा। वो ओरिजिन को कंटेन करती है या नहीं करती, वो कैसे, वो यहां पे ओरिजिन की वैल्यू जो 0 0 है वो गिवन वेरिएबल में पुट करके देखो, फिर इनइक्वालिटी को चेक करो कि वो पॉसिबल है, सो आपको मालूम पड़ गया। सो आज के लिए यही है बेटा, 6.2 एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास 6.3 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या आ जाएगी, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन इनइक्वालिटीज प्रेजेंट होंगी या इक्वेशन ज्यादा आएंगी, अगर हम उसको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन की फॉर्म में बोलेंगे, यहां पे हमारे पास एक ही थी इक्वेशन, वहां पे एक से ज्यादा इक्वेशन आने वाली है, तो फिर हम देखेंगे कि उसका एरिया हम कैसे इवैल्यूएट कर पाते हैं। थैंक यू बेटा।